नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग सेलुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ और नए चीजों को सीखेंगे, ठीक है, जो कि इस श्रृंखला में लेक्चर नंबर 10 होगा। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम बेसिकली सेलुलर कॉन्सेप्ट में जो है इंटरफेरेंस के बारे में, कि जब हमारा सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर पर सेंड किया जा रहा हो और उस दौरान कौन कौन से इंटरफेरेंस जो है वो अकर करते हैं, जो कि हमारे सिग्नल को डिस्ट्रॉय करते हैं या उसमें नॉइज क्रिएट कर देते हैं या सिग्नल का कुछ पार्ट हमारा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां पर हम देखेंगे कि बेसिकली ये कोचैनल एंड एडजेसेंट चैनल, ठीक है, चैनल के अंदर ही जो इंटरफेरेंस की प्रक्रिया हो रही हो और एडजेसेंट चैनल में जो प्रक्रिया हो रही हो, ठीक है, उसको सीखेंगे। फिर आप पावर कंट्रोल फॉर रिड्यूसिंग इंटरफेरेंस, कि हम इंटरफेरेंस को कैसे कंट्रोल करें, तो उसके लिए हम पावर कंट्रोल के थ्रू इस बात को सीखेंगे कि कैसे जो है वो इंटरफेरेंस को लिमिटेड किया जा सकता है, ठीक है। फिर फंडामेंटल्स ऑफ सेलुलर नेटवर्क प्लानिंग में हम लोग देखेंगे कि कवरेज प्लानिंग वहीं सीखेंगे, फिर कैपेसिटी प्लानिंग सीखेंगे, फिर सेल्फ स्प्लिटिंग एंड सेक्टरिंग। बेसिकली ये जो हमारे मेथड्स हैं वो कैसे हम नंबर ऑफ यूजर किसी पर्टिकुलर क्लस्टर में, किसी पर्टिकुलर सेल में इंक्रीज कर सकते हैं, ये उसके बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं। और डिफरेंट टाइप की प्लानिंग, जैसे हम कवरेज एरिया को प्लान कर दें या कैपेसिटी जो हमारा सिस्टम का है उसको कैसे इन्हेंस करते हैं, या सेल स्प्लिटिंग सेक्टरिंग की सेल को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हम कैसे डिवाइड करके और नंबर ऑफ यूजर किसी एक पर्टिकुलर सेल में बढ़ा सकते हैं। और अगर हमारे पास जो है वो किसी सेक्टर में कई एन नंबर ऑफ सेल हैं तो हम एन टाइम जो है टोटल इफिशियंसी उसकी बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल ऑल जो हमारी सेल कैपेसिटी होगी, ठीक है, वो भी इंक्रीज करेगी। उसको इंक्रीज करने के साथ साथ जो है वो नंबर ऑफ यूजर्स प्लस पूरे क्लस्टर में भी इन्हेंस करेंगे। और इस तरीके से हम देखेंगे कि एक सडन चेंज होगा, इंपैक्ट होगा, जिसमें नंबर ऑफ यूजर्स को हम बढ़ा पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इंटरफेरेंस एंड सिस्टम कैपेसिटी, ठीक है। इंटरफेरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इंटरफेरेंस बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले ये जानना होगा हमको। इंटरफेरेंस है कि इंटरफेरेंस इज अ लिमिटिंग फैक्टर इन द परफॉर्मेंस ऑफ सेलुलर सिस्टम। कोचैनल इंटरफेरेंस इज कॉज्ड बाय द सिग्नल एट द सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इंटरफेरेंस बेसिकली होता क्या है कि जब हमारे पास दो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हो किसी चैनल पे, सेम चैनल पे या एडजेसेंट चैनल पे, तो दोनों के कुछ पोर्शन ऑफ द एनर्जी, कुछ पोर्शन ऑफ द पावर क्या हो, आपस में मिक्सअप हो जाए। मिक्सअप हो जाए मतलब एक सिग्नल का जो हमारा पार्ट ऑफ द एनर्जी है दूसरे से यूजफुल जो सिग्नल है उसके साथ जो है वो इंटरफियर कर जाए, ठीक है, दोनों की मिक्सिंग होने लगे, ठीक है, एक दूसरे को इफेक्ट करने लगे। तो होगा क्या, जो हमारा मूलभूत जो हमारा सिस्टम ट्रांसमिट हो रहा था सिस्टम पे हमारा जो सिग्नल, वो सिग्नल हमारा क्या होगा, अपनी मूल अवधारणा को छोड़ करके कुछ चेंजेस उसमें आ जाएंगे। किस कारण से, जो दूसरे वाले सिग्नल की एनर्जी उसके साथ एसोसिएट हुई या डिस्टर्बेंस उसमें आ गई, उसके कारण से उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। तो क्या होना चाहिए कि शुद्धतम शुद्ध, अगर हमें जो सिग्नल हमने ट्रांसमीटर से भेजा है उसी को हमें रिसीवर पर रिसीव करना है, तो इंटरफेरेंस को क्या करना पड़ेगा, कम से कम रखना पड़ेगा, ठीक है, कम से कम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी भी जो है जो जनरल हमारा सिस्टम होता है उसमें किसी तरीके को नॉइज को या किसी तरीके के डिस्टरबेंस को पूरी तरीके से जो है वो शट डाउन कर देना या रोक देना संभव नहीं होता है। तो हम वो कोशिश क्या करते हैं, कुछ ऐसी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं कि जो हमारा सिस्टम हो उसमें इंटरफेरेंस या डिस्टरबेंस या नॉइज का जो इम्पैक्ट हो वो क्या हो, कम से कम हो, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया में जो है हम इंटरफेरेंस को कम करने की अगर प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरफेरेंस बेसिकली होते कौन कौन से हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक को चैनल इंटरफेरेंस है जिसको बेसिकली हम CCI से रिप्रेजेंट करते हैं,
और ये कॉज करता है, इसका कॉज क्या होता है, सेम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल अगर किसी चैनल से में ट्रांसमिट हो रहा हो तो वहां पर यह संभावना होती है कि आपस में दोनों सिग्नल एक दूसरे से इंटरफेरेंस करें, और ऐसे इंटरफेरेंस को हम को चैनल इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। और इसके कारण हमारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सिग्नल से एसोसिएटेड थी उसका क्या होगा, कुछ पोर्शन जो है ड्यू टू द इंटरफेरेंस लॉस हो सकता है, या इस टाइप का हो जाएगा कि उसको जो है वो ट्रेस करना मुश्किल होगा किसी रिसीवर के लिए, ठीक है। तो को चैनल इंटरफेरेंस जो है हमारा जो है वो किसी सिस्टम के लिए वो अच्छा नहीं माना जाएगा, और हम कोशिश करते हैं कि जो है कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई करें कि हमारा को चैनल जो इंटरफेरेंस है वो कम से कम हो, ठीक है। फिर वहीं पे आता है एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस, ठीक है। एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस क्या होता है, इज कॉज्ड बाय द सिग्नल फ्रॉम नेबरिंग फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। हमने ये सीखा था कि किसी भी जो हमारा क्लस्टर होता है उसमें कई एक डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे हम जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सेल को हम कुछ फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड करते हैं जिसपे हमारा मैसेज क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, ठीक है। अब उन्हीं फ्रीक्वेंसीज में आपस में अगर इंटरफेरेंस होने लगे तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस, और इसको ACI से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हमारा प्रयास ये रहता है कि हम इस तरीके के भी इंटरफेरेंस को कम से कम से किसी सिस्टम में रखें ताकि हमारा जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसका लॉस ना होने पाए, ठीक है। इन ट्रैफिक चैनल्स इंटरफेरेंस कॉजेस क्रॉस टॉक फ्रॉम अनडिजायर्ड यूजर्स, ठीक है। दो लोग आपस में मोबाइल फोन के द्वारा सेल फोन से जुड़े हुए हैं, आपस में कॉल हो रही है, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे डुप्लेक्स चैनल के माध्यम से जब दो हमारे मोबाइल सेलुलर सिस्टम जुड़े हुए हैं और उसमें किसी और फ्रीक्वेंसी का जो मैसेज है अगर वो उसके साथ इंटरफेरेंस करने लगे तो क्या होने लगेगा, बेसिकली क्रॉस टॉक हो जाएगा, और आपने बेसिकली जो है वो क्लाउडी डेज में, ठीक है, या रेनी डेज में ऐसा महसूस किया होगा कि आप दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो और बीच में क्रॉस टॉक होने लगी, किसी और का भी उसमें जो है वो टॉक्स डिस्कशन जो है वो आने लगे और आपका जो मूल कन्वर्सेशन चल रहा था उसमें कुछ डिस्टरबेंस आने लगा, तो इसी को हम बोलते क्या है, क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक ड्यू टू द नेबरिंग फ्रीक्वेंसी, जो अगल बगल के आपके चैनल थे उनका आपस में जो इंटरफेरेंस होने लगा, मिक्सअप होने लगा, उसके कारण जो इंटरफेरेंस आया इसी को हम बोलते हैं क्रॉस टॉक, ठीक है। टू रिड्यूस को चैनल इंटरफेरेंस को चैनल सेल्फ मस्ट बी सेपरेटेड सुफिशियंटली, ठीक है। हम प्रयास क्या करते हैं कि जो हमारा जो है वो को चैनल सेल्स हैं उनको हम इतना सेपरेशन प्रोवाइड कर दें, ठीक है, कि आपस में दो सिग्नल क्या करें वो मिक्सअप ना होने पाए, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो आपस में मिक्सअप ना होने पाए। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने के वैल्यू को जो है डिस्कस किया था जिसमें देखा था कि दो चैनल, दो एडजेसेंट चैनल आपस में जो सेम फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहे हों, ठीक है, उनको हम कितना दूर रखें ताकि हमारा जो एडजेसेंट चैनल के कारण जो हमारा जो है वो सेम फ्रीक्वेंसीज के चैनल के कारण जो इंटरफेरेंस की घटना हो रही है उसको कम से कम कर सकें, ठीक है। तो वहीं पे आपने के की वैल्यू आपने देखा था आई स्क्वायर प्लस आई जे प्लस जे स्क्वायर, जहां आई और जे बेसिकली क्या है कि डायगोनल मूवमेंट होता था, ठीक है, और जे क्या होता था, हम जो है वो 60 डिग्री का रोटेशन लेके जब मूवमेंट करते थे टुवर्ड द पर्टिकुलर सेल तो उसकी वैल्यू होती थी, और दोनों की वैल्यू से हम के डिस्टेंस निकालते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये पता लगा पाते थे कि को चैनल इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए हमें एक सुफिशियंट के वैल्यू की कितनी वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है, और इस तरीके से हम बेसिकली जो हमारे फ्रेम फ्रीक्वेंसीज के जो है वो सेल्स हैं उनको हम सेपरेट करके को चैनल इंटरफेरेंस को कम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें बेसिकली तो को चैनल इंटरफेरेंस रिड्यूस करने के और भी कई सारे मेथड हैं, जैसे लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सेल एंड लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द को चैनल सेल्स,
द सीसीआई इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रांसमीटर पावर बाय इंक्रीजिंग द रेशियो डी बाय आर. डी आपका क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द को चैनल्स. को चैनल्स वही जो सेम फ्रिक्वेंसीज पे आपके दो चैनल्स हो उनके बीच की डिस्टेंस डी होती थी, और आर क्या होती थी, रेडियस ऑफ द सेल, जिस एक किसी एक पर्टिकुलर जो आपका सेल है क्लस्टर में उसकी रेडियस होती थी. और डी बाई आर को हम लोग क्या करते थे, इंक्रीजिंग द रेशियो डी बाई आर वी रिड्यूस को चैनल इंटरफेरेंस. सीसीआई को हम रिड्यूस कर सकते हैं कब, जब हम डी की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर लें और आर की वैल्यू को क्या मिनिमाइज रखें, मतलब डी बाई रेशियो हमारा क्या हो, हाई हो, तो हमारा क्या होगा, को चैनल इंटरफेरेंस कम होगा. इसको ऐसे समझिए कि इसका मतलब यह है, डी क्या था, जो सेम फ्रीक्वेंसी के दो चैनल थे उनकी बीच की डिस्टेंस, क्योंकि आर हो सकता है कि फिक्स हो, किसी पर्टिकुलर सेल का रेडियस जो है वो फिक्स हो, तो हम डी को क्या करें, मैक्सिमाइज कर दें, मतलब दो सेम फ्रीक्वेंसी ऑप्ट करने वाली जो हमारे सेल्स हैं उनको हम दूर दूर रखें. ठीक है, दूर दूर रखने से क्या होगा, डी बाई आर जो है वो आपका मैक्सिमाइज रहेगा. और अभी हमने डिस्कस किया कि जब हमारा जो को चैनल जो है आपस में जितने डिस्टेंस पे होंगे वो सेल्स आपस में, उनका इंटरफेरेंस होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और इस तरह से आपका डी बाई आर रेशियो जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा और को चैनल इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा. ठीक है, वी डिफाइन द को चैनल फ्रीक्वेंसी रियूज रेशियो एस क्यू इज इक्वल टू डी बाई आर. डी बाई आर को बेसिकली हम क्या, फ्रीक्वेंसी रीयूज रेशियो के नाम से भी जानते हैं. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, कि आपसे पूछ सकता है कि जो डिफरेंट को चैनल्स हैं उनकी आपको डिस्टेंस दे दे और रेडियस दे दे, और आपसे पूछ ले कि इसका जो है फ्रीक्वेंसी रीयूज रेशियो क्या है, तो आपको फार्मूला आना चाहिए क्यू इज इक्वल टू डी बाई आर. ठीक है, कब, जब, देन फॉर हेक्सागोनल सेल, किसी हेक्सागोनल सेल के लिए जो हम बेसिकली किसी सेलुलर सिस्टम के लिए यूज करते हैं, उसके लिए क्यू की वैल्यू जो है रूट थ्री के होती है. ठीक है, के की वैल्यू आपने देखा था आई जे के टर्म में, आई स्क्वायर प्लस आई जे प्लस जे स्क्वायर. ठीक है, बाय रिड्यूसिंग के को रिड्यूस करके द क्लस्टर साइज इज रिड्यूस, आपका क्लस्टर साइज क्या होगा, रिड्यूस होगा. द सिस्टम ट्रैफिक कैपेसिटी इज इंक्रीज, द नंबर ऑफ चैनल पल्सेस इज इंक्रीज. ठीक है, मतलब कहने का है कि जैसे हम के की वैल्यू को हमारा रिड्यूस होगा जब हम क्यू को रिड्यूस करेंगे. ठीक है, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू रूट थ्री के है, जब के की वैल्यू रिड्यूस होगी तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस हो रही होगी. इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक किसी सिस्टम में ट्रैफिक की कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ चैनल्स पर सेल इंक्रीज कर लेंगे, मतलब नंबर ऑफ अब यूजर जो उस चैनल को यूज कर पा रहे होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. और जब नंबर ऑफ चैनल्स इंक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो है वो को चैनल इंटरफेरेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब जो सेम फ्रीक्वेंसी होल्ड करने वाले हमारे चैनल्स थे वो फॉर अपार्ट, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पे ना होके एज कंपेयर टू द प्रीवियस सिस्टम थोड़ा पास पास जो है आने लगेंगे, और इस तरीके से हमारा को चैनल इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा. तो जैसा हमने अभी बताया था कि हम जितनी दूर पर सेम फ्रीक्वेंसी होल्ड करने वाले सेल्स को जितना दूर रखेंगे उतना हमारा सीसीआई क्या होगा, रिड्यूस रहेगा. लेकिन अब सिस्टम की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ यूजर बढ़ाने के लिए, कम रिसोर्सेस में ज्यादा जो है यूजर्स को इंक्रीज करने के लिए हमारी मजबूरी होती है कि सीसीआई को हम बहुत हद तक रिड्यूस नहीं कर पाते, क्योंकि हम बहुत दूर दूर अगर चैनल को रखेंगे तो जो हमारा स्पेक्ट्रम होगा वो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है उस समय वेस्ट हो रहा होगा, क्योंकि एक समय में हो सकता है कि बहुत सारे यूजर जो है एक्टिवेटेड ना हो किसी पर्टिकुलर सेल में, और अगर हम सेल को दूर दूर रखेंगे तो हमको जो हमारा स्पेक्ट्रम है उसी में से कुछ फ्रीक्वेंसी हम उनको प्रोवाइड करेंगे, और वो फ्रीक्वेंसी यूसेज में नहीं होगी तो क्या होगा, ओवरऑल हमारे सिस्टम की इफिशियंसी क्या रहेगी, रिड्यूस रहेगी. ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझा कि कैसे को चैनल इंटरफेरेंस को हम कम कर सकते हैं, और लेकिन हमारे पास सिस्टम की इफिशियंसी नंबर ऑफ यूजर्स पर सेल इंक्रीज करने के लिए हम सीसीआई को बहुत हद तक
रिड्यूस तो जरूर कर लेते हैं, लेकिन इसको हम सप्रेस मतलब खत्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत सीसीआई रहता है, क्यों? क्योंकि हमें अपने दिए गए स्पेक्ट्रम ही मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स को जो है वो कनेक्ट करना है, ताकि जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, वो किसी सिस्टम को इफिशियंट वे में यूज करा पाए यूजर्स को, ठीक है। तो इतना आपने देखा कि हमारा कैसे जो है वो को चैनल इंटरफेरेंस को कि क्या महत्व है इसका और इसको कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्टिव पॉइंट आप भी उसे भी इसमें आपको ध्यान रखना है कि को चैनल इंटरफेरेंस में जब सेम फ्रिक्वेंसी होल्ड करने वाले चैनल्स आपके दूर दूर होंगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, को चैनल इंटरफेरेंस कम होगा, और ऐसा कम होगा जब डी की वैल्यू हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और डी बाई आर जो हमारा रेशियो है वो मैक्सिमम रहेगा, तो हमारा सीसीआई की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी, और क्यू का जो एग्जिस्टेंस है के रेफरेंस में, क्यू इज इक्वल टू रूट थ्री के फॉर द हेक्सागोनल शेप। हेक्सागोनल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सर्कुलर या ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर हम नहीं अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा एक्चुअल जो हमने अज्यूम किया है कि हम किसी भी सेलुलर सिस्टम में हेक्सागोनल सिस्टम को जो है वो ऑप्ट करते हैं सेलुलर कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है, जो लास्ट लेक्चर्स में हमने सीखा भी है, व्हाई वी आर चूजिंग हेक्सागोनल सेल फॉर अ मोबाइल कम्युनिकेशन या सेलुलर सिस्टम, ठीक है। तो वहां से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और यहाँ भी उस चीज को आप देख रहे हैं कि हम कैसे उसके माध्यम से अपने को चैनल इंटरफेरेंस को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर अब आते हम सीखते हैं एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस में जैसा आपने देखा था कि जो आपके नेबरिंग सेल्स हैं या नेबरिंग फ्रीक्वेंसीज हैं किसी पर्टिकुलर जो आपका सेल है, ठीक है, उसके जो एडजेस्टिंग नेबरिंग फ्रीक्वेंसीज हैं उनका जब आपस में इंटरफेरेंस होता है तो उसके कारण आपका ACI means adjacent channel interference को जो है वो जन्म होता है। ACI is caused by signal from neighboring frequencies, particularly severe when the mobile is far away from its base station and very near to an adjacent channel transmitter, ठीक है। Basically है क्या कि जब हमारा कोई मोबाइल सिस्टम जो है वो बेस स्टेशन से दूर होता है, उस केस में हमारा जो ACI है एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस, ठीक है, वो ज्यादा हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है, और हम इसको कम से कम करने का भी प्रयास करते हैं, उसके भी कुछ अपने मेथड्स होते हैं, उसको हम देखेंगे। Also happens when a mobile close to base stations uses a channel which is adjacent to a very weak mobile transmitting to the same base, ठीक है। मोबाइल का जो हमारा नेटवर्क है अगर बेस स्टेशन से वो भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, तब भी हमें एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है। ACI can be reduced by careful frequency assignment, ठीक है। अब यहीं पर रोल आता है फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट या जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था फ्रीक्वेंसी रीयूज का, कि कैसे हम पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसीज को स्मार्टली यूज करें अपने सिस्टम में, ताकि क्या हो, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस को कम से कम रखा जा सके। चूंकि आपने देखा कि बेसिकली हमारा एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस जो बेस स्टेशन से दूर सेलुलर सिस्टम होते हैं उनको ज्यादा इफेक्ट करता है, बट हम ये भी मानते हैं कि जब हमारा मोबाइल सिस्टम बेस स्टेशन के करीब है लेकिन अगर प्रॉपर ट्रांसमिटिंग रिसीविंग नहीं हो रही है, ठीक है, वीक मोबाइल ट्रांसमिशन हो रहा है, उस कंडीशन में भी हमारा ACI प्रेजेंट रहता है, बट अगर वहीं पे हम जो हमारा फ्रीक्वेंसी रियूज है उस फ्रीक्वेंसी रियूज को या स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी का जो एलोकेशन है उसको हम स्मार्टली करें, तो हम ACI को कुछ हद तक रिड्यूस कर पाने में सफल होंगे, ठीक है। ACI इज रिड्यूस्ड इफ वी मैक्सिमाइज द सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट चैनल इन अ सेल, ठीक है। अभी तक हम ये देख रहे थे कि को चैनल्स को हम दूर रख के जो है वो अपना को चैनल इंटरफेरेंस को रिड्यूस कर रहे थे। ACI के केस में क्या करते हैं कि जो हमारा जो है एडजेसेंट चैनल होता है किसी सेल में, अगर हम उसको उसके बीच का सेपरेशन मतलब गार्ड बैंड को इंक्रीज कर दें,
ठीक है। गार्ड बैंड आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिकली दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग जो स्पेक्ट्रम होते हैं, उस पर्टिकुलर जो उनका स्पेक्ट्रम बैंड की बात करें हम, उस बैंड के बीच का जो सेपरेशन होता है बेसिकली उसको हम गार्ड बैंड के नाम से जानते हैं। और हम दो चैनल के बीच में जब गार्ड बैंड को मैक्सिमाइज रखते हैं उस केस में क्या होता है, हमारा ACI एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस की वैल्यू कम होती है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसीज तो हमारी नेबरिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। मतलब अगर कई सारी फ्रीक्वेंसीज F1, F2, F3 से लेकर FN तक है और उसमें हम F1 और F3 को लेके वर्क कर रहे हों, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि अगर हम F1 और F3 के बीच में गार्ड बैंड की वैल्यू मैक्सिमाइज रखें तो होगा क्या, दोनों चैनल जो दोनों फ्रीक्वेंसीज के रिगार्डिंग बैंड होंगे आपस में वो क्या करेंगे, कभी इंटरफियर नहीं करेंगे और इस तरीके से हमारा जो ACI की वैल्यू होगी, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस की वैल्यू होगी, वो कम से कम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम लोग जो है वो अपना इंटरफेरेंस को रिड्यूस करते हैं फ्रीक्वेंसीज, और जो हमारे सेल्स हैं उनका हम लोग स्मार्टली कैसे उनको एलोकेट करते हैं फ्रीक्वेंसीज को, और कैसे हम लोग अपने सेल्स को फार अपार्ट स्मार्टली उनका जो आर्किटेक्चर है वो डिजाइन करते हैं ताकि को चैनल इंटरफेरेंस भी हमारा रिड्यूस रहे और जो हमारा एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस है उसको भी हम कैसे रिड्यूस कर पाए, ठीक है। अब जब हम कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया कि को चैनल जो है वो हमने इंटरफेरेंस को रिड्यूस किया, ठीक है, तो रिड्यूस करने के लिए हमको क्या करना पड़ा कि दो सेम फ्रीक्वेंसीज के जो चैनल से उनको दूर दूर करना पड़ा, ठीक है। एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस की हम बात कर रहे थे तो एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस में दो जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज थे, ठीक है, जो दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के रिगार्डिंग चैनल थे उनको भी हमने क्या किया, फार अपार्ट किया, दूर दूर किया, गार्ड बैंड प्रोवाइड किया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारे पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम की बहुत सारी बैंडविड्थ जो है वो क्या हो रही थी, वेस्ट हो रही थी, वो यूज में ही नहीं आ रही थी। गार्ड बैंड बेसिकली कोई पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी नहीं यूज कर रही होती है, उसको हम मान के चलते हैं कि ये हमारा इतना पोर्शन हमारा खाली रहता है ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, तो वो सब क्या है, वेस्टेज है हमारा स्पेक्ट्रम का, ठीक है, जो स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ है उसका वेस्टेज है। तो इस वेस्टेज को रिमूव करने के लिए हम कुछ और कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं ताकि हम नंबर ऑफ यूजर किसी सिस्टम में क्या कर सकें, बढ़ा सकें। तो आइए उसी कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं, क्या, इंप्रूविंग कैपेसिटी इन सेलुलर सिस्टम। किसी सेलुलर सिस्टम में हम नंबर ऑफ यूजर्स को कैसे इनहेंस करके उसकी सिस्टम की कैपेसिटी को क्या करें, इंप्रूव कर दें, ठीक है। तो हमारा एम क्या है, टू प्रोवाइड मोर चैनल्स पर यूनिट एवरेज एरिया, ठीक है। जो हमारा जैसे हेक्सागोनल शेप का हमारा क्या है, सेल है किसी सेलुलर जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें, ठीक है। अब उसमें हम क्या करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चैनल्स को इंक्रीज कर दें, ठीक है, या क्या कर दें, जो हमारा चैनल पूरे एक हेक्सागोनल शेप में प्रोवाइडेड था, अब उसको हम उसके पर्टिकुलर सेक्टर में उसको प्रोवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, पर यूनिट एरिया जो हमारा चैनल है उनकी संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि 10 नंबर ऑफ चैनल्स मैंने जो है वो 1 किलोमीटर की लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, ठीक है, अब मैं क्या करूं कि उन्हीं 10 चैनल्स की रिप्लिका क्रिएट करूं और उन्हीं को मैं हर एक 1 किलोमीटर की जो है वो डिस्टेंस पे या रेडियस पे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो क्या होगा कि अब हमारे पास इफेक्टिव नंबर ऑफ चैनल्स कितने हो जाएंगे, 10 times 100 चैनल्स इफेक्टिवली वर्क कर रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल तो हमारा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम 10 चैनल का ही होगा, उसी की रिप्लिका हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। तो इसी तरीके से हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं सेक्टरिंग का, ठीक है। टेक्निक कौन सी यूज करें, 3 techniques यूज टू इम्प्रूव द कैपेसिटी, किसी चैनल की कैपेसिटी इंक्रीज करने की हमारे पास 3 techniques हैं बेसिकली, ठीक है। पहला जो है वो सेक्टरिंग है, सेक्टरिंग में मैंने जैसे आपको बताया कि नंबर ऑफ चैनल्स हम इंप्रूव कर दें सेक्टरिंग के माध्यम से, ठीक है। यूज डायरेक्शनल एंटीना टू फर्दर कंट्रोल द इंटरफेरेंस एंड फ्रीक्वेंसी यूज ऑफ चैनल्स, ठीक है।
अभी तक क्या हो रहा था, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना यूज हो रहा था और पूरे हमारा जो हेक्सागोनल सेल थी उसमें जो है हमारा सिग्नल क्या हो रहा था, स्प्रेड कर रहा था। अब हम ओमनी डायरेक्शनल एंटीना यूज करें मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही हम उस चैनल के जो हमारे सिग्नल हैं उसको ट्रांसमिट करें, तो इससे क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास कोई हेक्सागोनल शेप है, ठीक है, हेक्सागोनल शेप है और उसको हमने क्या कर दिया 120 एंगल पे अगर इसकी सेक्टरिंग कर दें तो क्या 360 को 120 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको 3 डिफरेंट सेक्टर मिल जाएंगे, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि जो चैनल अभी तक पूरे इस सिस्टम में 360 डिग्री पूरे हेक्सागोनल सेक्टर में सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा था, अब क्या करेगा कि हम ये कर दें कि ये सिस्टम 120 डिग्री में ट्रांसमिट करे और सेम फ्रीक्वेंसी के ही सिस्टम क्या हो, वो दूसरी वाले जो सेक्टर है उसमें ट्रांसमिट हो और ऐसे ही हमारे पास सेम स्पेक्ट्रम के जो है जो सिग्नल्स हैं वो किसी दूसरे सिग्नल को दूसरे सेक्टर में ट्रांसमिट करने की फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे और इससे क्या होगा, नंबर ऑफ यूजर किसी हेक्सागोनल सेल में अब क्या 3 गुने हो जाएंगे एज कंपेयर टू द ओमनी सिस्टम की अगर हम बात करें जो हमारा हेक्सागोनल शेप थी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम नंबर ऑफ सेक्टरिंग को क्या करें, इंक्रीज करते जाएं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहीं पे 90 डिग्री की सेक्टरिंग प्रोवाइड करें तो आप देखेंगे कि अब हमारे पास 4 जो है वो पॉसिबिलिटी होंगी इनको सेक्टर करने की, 4 सेक्टर हमें प्राप्त होंगे और अगर हम इनके लिए डिफरेंट जो है वो चैनल्स यूज करें, ठीक है, तो अब क्या होंगे, चैनल्स स्पेक्ट्रम तो हमारे पास सेम है, वही स्पेक्ट्रम इसमें भी यूज हो रहा होगा, वही इसमें भी चारों चैनल में यूज हो रहा होगा, लेकिन क्या हो गया, इफेक्टिव कैपेसिटी मतलब नंबर ऑफ यूजर जो होंगे अब वो बढ़ जाएंगे। और इसी तरह अगर हम इसको 60 डिग्री में करें तो आप देखेंगे आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 नंबर ऑफ स्मॉल सेक्टर्स हो गए और जितना हम सेक्टर्स को स्मॉल करते जाएंगे हमारा सिस्टम क्या होगा, वो सिस्टम में यूजर की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी और इस तरह से हमारी क्या होगी, इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी किसी पर्टिकुलर सिस्टम की। तो इस तरीके से आपने देखा कि सेक्टरिंग के माध्यम से आपने कैसे जो है स्मार्टली अपने चैनल को इफिशियंट बनाया, कैपेसिटी इंप्रूव कर दी, ठीक है। द सेक्टरिंग इज डन बाय रिप्लेसिंग एंड सिंगल ओमनी डायरेक्शनल एंटीना विद 3 डायरेक्शनल एंटीना व्हेन वी यूजिंग द 120 डिग्री सेक्टरिंग विद 6 डायरेक्शनल एंटीना व्हेन वी यूजिंग 60 डिग्री सेक्टरिंग, ठीक है। In this scheme, each cell is divided into 3 or 6 sectors. Each sector uses a directional antenna at the base and it assigned a set of the channels. ठीक है? The number of channels in each sector is the number of channels in the cells divided by the number of sectors. The amount of the co-channels interfere is also reduced by the number of sectors. ठीक है? Drawback नहीं है इसके. Increasing the number of antenna at the base station. ठीक है, एंड द नंबर ऑफ हैंड्स ऑफ इंक्रीजेस व्हेन द मोबाइल मूव्स फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। ठीक है, हमने देखा कि कैसे हम सेक्टरिंग का कॉन्सेप्ट लगा के हम यूजर चैनल की कैपेसिटी तो इंप्रूव कर रहे थे, ठीक है, लेकिन वहीं साथ ही साथ उसके ड्रॉबैक भी हैं। अब जितने आप डिफरेंट नंबर ऑफ सेक्टर कर दोगे उसी के हिसाब से आपको बेस स्टेशन भी इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि हर सेक्टर में एक डिफरेंट सिग्नल को आपको ट्रांसमिट करना है सेम स्पेक्ट्रम को यूज करके, तो बेस स्टेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज करने पड़ेगी, एक सिस्टम उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, अलग से। और वहीं पर क्या होगा, जो नंबर ऑफ हैंड्स ऑफ हैं, जब आपके सेक्टर छोटे छोटे हो गए तो क्या होगा, मोबाइल थोड़ी दूर चलेगा और एक बेस स्टेशन से क्या होगा, दूसरे बेस स्टेशन की रेंज में इंटर कर जाएगा और वहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ हैंड्स ऑफ की जो प्रक्रिया हो रही थी वो इंक्रीज कर जाएगी और मोबाइल नेटवर्क की जो है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें नंबर ऑफ किसी चैनल सिस्टम में नंबर ऑफ यूजर बढ़ाने हैं, तो सेक्टरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो हमें इसको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो इतने ड्रॉबैक होने के साथ साथ भी हम इन प्रक्रियाओं को यूज करते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम इनकी हेल्प से इफिशियंट बनता है और नंबर ऑफ यूजर किसी पर्टिकुलर सेल में हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो
तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग किसी सिस्टम की कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेक्टरिंग, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखे आज जो है वो मोबाइल सेलुलर सिस्टम के रिगार्डिंग, ठीक है। वहीं पे इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट देखा, उसमें को चैनल और एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस के बारे में देखा। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेल स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट और कुछ इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे मोबाइल सेलुलर सिस्टम के रिगार्डिंग। थैंक यू।